हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बेसन के लड्डू, जो बनने में बहुत ही आसान है, झटपट बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है। पैन में मैंने डाले हैं 5 टेबल स्पून देसी घी। इसके बाद इसमें हमने डाल देना है बेसन। तो मैंने 1.5 कप बेसन लिया है और बेसन को हमने एक साथ ही डाल देना है। अब हमने बेसन को अच्छे से भून लेना है। तो हमने इसे सिम आंच पर ही भूनना है, तेज आंच पर नहीं करेंगे, नहीं तो बेसन जो है जल जाएगा और भूनेगा नहीं। तो बस धीमी आंच पर इसको हमने हिलाते हुए अच्छे से भून लेना है। शुरुआत में हमें ऐसे लगेगा कि हमने घी कम डाला है, क्योंकि बेसन जो है घी को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन जैसे जैसे बेसन हमारा अच्छे से भूनता जाएगा, ये घी छोड़ देगा। तो देखिए, इसको हमने 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। तो 5 मिनट हो गए थे और बेसन का देखिए कलर भी चेंज हो गया है, इसमें से एक अच्छी सी खुशबू भी आने लग गई है और इसका जो टेक्सचर है वो भी चेंज हो गया है, इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो देखिए, इस स्टेज पर हमारा जो बेसन है वो अच्छे से भून चुका है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ सूजी। तो मैं इसमें 2 टेबल स्पून सूजी डालूंगी। सूजी डालने से बेसन के लड्डू बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसके बाद इसमें थोड़ी सी हल्दी डाली है इसका कलर लाने के लिए, और साथ ही में कुछ ड्राई फ्रूट्स डाले हैं जिसे मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। हल्दी डालना इसमें ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह आप इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं। बस सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़ी सी देर भून लेंगे ताकि जो सूजी डाली है वो भी अच्छे से भून जाए। तो बस अब गैस को कर देंगे बंद और इसे हम निकाल लेंगे एक बड़ी सी प्लेट में ठंडा होने के लिए। इसे हमने ना ही ज़्यादा ठंडा रखना है ना ही ज़्यादा गर्म, हल्का सा वार्म होना चाहिए। तो मैं इसे 10 मिनट के लिए रख दूंगी ठंडा होने के लिए। तो देखिए, ये हल्का सा वार्म है, ना ही ज़्यादा ठंडा है ना ही ज़्यादा गर्म है। तो इस स्टेज पे अब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो मैंने 1/2 कप पीसी हुई चीनी ली है और 1/2 टीस्पून इसमें मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ। इसके बाद इसे हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। तो बस अब हम लड्डू बनाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा बैटर लेंगे और उस के हम लड्डू बनाना इस तरह से शुरू करेंगे, हाथों से दबाते हुए लड्डू बनाएंगे। तो देखिए कितने अच्छे हमारे बेसन के लड्डू बन रहे हैं। और अगर आप मेरी और भी रेसिपीज देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि एक ही साइज़ के लड्डू बने तो उसके लिए आप कोई भी स्पून ले लें, तो सारा बैटर जो है उस तरह स्पून से मेज़र करके भी आप लड्डू को बना सकते हैं। तो लड्डू जो है एक ही शेप में बनते हैं, एक ही साइज़ के बनते हैं। तो देखिए, सभी लड्डू बनकर रेडी हो गए हैं। तो मैं एक तोड़कर भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए, अंदर से हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हैं। और खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप भी इसको जरूर बनाकर देखिएगा। बस यहीं तक थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।